Students of class 8, again I welcome to you to learning the question number 4 and 5 of exercise 9.3. देखिए question number 4 में क्या दे रखा है कि आपको बच्चों कोई term दे रखी है, you know, कोई expression given है and बोलते हैं find its value for. ये बोल रही है कि आप पहले x को क्या मानेंगे, 3 मानते हैं और फिर आप मतलब एक ही question में दो question दे रखे हैं कि आपको यहाँ पे x की value devalued करनी है. x की जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 3 लिखेंगे और सेकंड पार्ट में बोल रही हैं कि आपको x की जगह पे क्या क्या पुट ऑन करना है, 1/2. सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें क्या करना है बच्चों कि आपको सबसे पहले ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है नॉर्मली हम जैसे करते हैं. उसके बाद में आपको वैल्यूज पुट ऑन करनी है. ये बोलें कि x की जगह पे 3 और x की जगह पे 1/2. तो सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई. तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या गिवन है, 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5+3. तो देखिए सबसे पहले 3x है आपका मोनोमियल है जिसको आपको बाइनोमियल 4x माइनस 5 से ऐड करना है और जिसमें कॉन्स्टेंट 3 को ऐड करना है. तो देखिए सबसे पहले मैं 3x को क्या करूँगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा हमारे जो रूल है 3x को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करें, 4x से. ठीक है, लेकिन मैं ओनली 3 लिख लूँ. ओके, क्लियर है वेरी. सो अकॉर्डिंग टू दैट, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख दूँ, 3x इंटू 4x ब्रैकेट बंद. अब इन दोनों के बीच में किसका साइन है बच्चों, माइनस का, तो आई पुट इट हियर. अब देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x को माइनस 5 से. तो 3x इंटू माइनस 5 और जो प्लस 3 एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा. देखिए तो 3x को जब हमने 4x से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट इट हियर बच्चों, हम देखेंगे 3 4 12 और 1x और 2x मिलके कितने x हो गए, 2x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12x2. ठीक है, अब है हमारा साइन, माइनस का साइन लगा दूँ. अब देखिए 3 5 15, सो कितना आ गया, x था कॉमन तो 15x और ये प्लस का 3. देखिए अगेन देखिए आपकी एक्सप्रेशन थी 3x को 4x माइनस 5+3. तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ क्या किया कि हमारी जो डिजिट थी सबसे पहले 3x को किससे मल्टीप्लाई किया, 4x से. तो 3x इंटू 4x, तो देखिए 3 4 12 और x और x कितने हो गए, x की पावर 2 हो गई. फिर माइनस का साइन था एज इट इज़. अब 3 को किससे करना था, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना था. तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 3 5 15x. ओके, और ये प्लस 3 एज इट इज़. सो देखिए ये अब हमने सिंप्लीफाई कर ली. अब इन्होंने हमें कंडीशन दी कि अब जहाँ जहाँ पे x आए वहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे कि इफ़ x इक्वल्स टू 3. अब देखिए हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है, हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, 12x² माइनस 15x प्लस 3. अब हम यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे बच्चों, नंबर 3 रखेंगे. सो देखिए सबसे पहले हमारी क्या नंबर है, 12 लिख दूँ. तो 12, अब x स्क्वायर नहीं है तो इंटू का साइन लगा दूँ. तो 12 इंटू, अब x की जगह पे क्या रखना है, 3, और यहाँ पे x की पावर कितनी थी, 2, तो पावर चेंज नहीं होगी एज इट इज. माइनस 15x, 15 इंटू x, तो अब x की जगह पे हम लिखेंगे 3 और ये प्लस 3 एज इट इज. तो देखिए 12 इंटू 3 की पावर 2 मतलब 3 3 9. ठीक है, माइनस 15 1 15, 15 2 13, 15 3 45 प्लस 3. ओके, अब देखिए 12 9 108 माइनस 45+3. तो देखिए 45+3 कितने होते हैं, 48. तो 108 में से जब आप 48 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66. तो देखिए अभी तो हमने क्या किया, सबसे पहले x की जगह पे रखा था 3, अब हम लिखेंगे x की जगह पे 1/2. सो राइट नाउ चेक करें, तो वही जैसे यहाँ पे x की जगह पे 3 लिखा था वही हमारी एक्सप्रेशन क्या है, 12. तो सबसे पहले आ गया 12 इंटू, अब x की जगह पे क्या लिख दूँ, 1/2 और इसकी पावर 2, माइनस 15 इंटू 1/2 और प्लस 3 एज इट इज़. अब देखिए 1/2 की जब आप बात करते हैं तो आप बच्चों अगर हम इसे करते हैं तो हमारा क्या आ सकता है, इफ़ वी लेट्स बी डू दिस, कि अगर हम इसका हाफ करना है 1/2 का, अगर मैं 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा. सो देखिए बच्चों आपके यहाँ पे क्या दे रखी है, 12 सबसे पहले मैं लिख दूँ,
तो देखिए 12 × 1/2 का स्क्वायर कीजिए, मतलब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 × 1 = 1 एंड 2 × 2 = 4, तो मतलब 1^2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 माइनस 15 × 1/2 + 3। अब देखिए ये कट सकता है, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 3, तो यहाँ क्या बचा, 3 माइनस, अब देखिए 15 × 1 = 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15/2 + 3, ठीक है। सो देखिए लास्ट में हमारा आंसर क्या रह जाएगा बच्चों को, 3 − 15/2 + 3। अब देखिए बच्चों हमें सिंप्लीफाई करना है, हमारी एक्सप्रेशन है a^2 + a + 1 + 5, जिसमें अब आपको a की जगह पे 0 और एक बार a की जगह पे 1 रखना है, और थर्ड टाइम पे a की जगह पे -1 रखते हैं तो क्या आता है, सो लेट्स सी। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, देखिए हमारे मोनोमियल a जिसको मल्टीप्लाई करना है आपको ट्राइनोमियल से, और इसका कॉन्स्टेंट है 5। तो देखिए सबसे पहले हम a को a^2 से मल्टीप्लाई करें, तो व्हाट आई राइट इट, a × a^2 प्लस, अब इस a को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे a × a + a × 1 + 5। तो देखिए यहाँ पे 1 a और यहाँ पे 2 है, तो कितने a हो गए, 3, a^3, यहाँ पे 1 और 1 = 2, और देखिए a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a ही आएगा +5। अब देखिए हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इफ़ वी एडिट इट ऑल। तो देखिए हमारी एक्सप्रेशन क्या बन गई, यहाँ पे a³ + a² + a+5। अब ये इन्होंने हमें बोला कि सबसे पहले आपको a की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। इफ़ आई पुट इट a = 0, तो देखिए मेरी एक्सप्रेशन क्या होगी, मेरी एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बनी है बच्चों, मेरी एक्सप्रेशन है a³ + a² + a+5, ठीक है। तो देखिए a की जगह पे मुझे रखना है 0, सो व्हाट आई कीप हियर, तो देखिए सबसे पहले इस a की जगह पे लिखा 0³, फिर 0² + 0+5। तो देखिए a की 0 की पावर 0 ही होती है, तो 0 + 0 + 0 + 5। तो ये बोल रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम a की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अब राइट नाउ हमें a की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो देखिए a की जगह पे मैं लिख दूंगी 1, सो 1³ + 1² + 1+5। तो देखिए 1³ क्या होती है, 1 ही रहेगी, 1² भी मतलब 1 ही रहेगी, 1+5। देखो सबको ऐड कर दूँ क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 और 3 + 5 = 8। तो बोल रहे हैं कि इस गिवन एक्सप्रेशन में अगर हम a की जगह पे 1 रखते हैं तो वी गेट इट एज द रिजल्ट, द रिजल्ट इज द 8। अब देखिए a की जगह पे रखना है -1। अब देखिए बच्चों मैंने लिखा -1² + -1² + -1+5। अब देखिए -1³ मतलब कि -1 × -1 × -1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो देखिए 1³ रहेगी, तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए 2 + 2 माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 और ये -1 + 5, ओके। तो देखिए माइनस 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 प्लस माइनस 0, ठीक है, 0 + 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 4, ओके बच्चों। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने बोला कि आपको ऐड करना है किसको, आपकी 3 एक्सप्रेशन है 1, 2, 3। तो देखिए बच्चों सबसे पहले एक्सप्रेशन ये मोनोमियल दे रखे बाइनोमियल, मतलब सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम क्यू को क्यू आर से करेंगे, फिर आर को आर पी, और लास्ट में इन तीनों को कॉलम मेथड से ऐड करेंगे। सो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, सो बिफोर एडिंग दिस हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1, 2, 3 हमारी एक्सप्रेशन है हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखिए हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है p - q, मतलब इस p को p - q से हमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे p को p से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये मोनोमियल है और दिस इज़ अ बाइनोमियल टर्म। तो देखिए p को जब मैं p से करूँगी तो हाउ कैन आई राइट इट, p × p, दोनों के बीच में किसका साइन है, माइनस का, और यहाँ क्या आ जाएगा p × q, ओके, वेरी क्लियर।
अब देखिए, अब इसका सोल्यूशन क्या हुआ, p को p से मल्टीप्लाई किया, p की पावर 2 माइनस पी क्यू। सो देखिए, हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई। अब हमारी बात है सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन हमारी गिवन है बच्चों q q माइनस r। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मुझे q को किससे करना होगा, q से मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखिए, q माइनस q दोनों के बीच में, सॉरी q इंटू क्यू, सॉरी q इंटू क्यू, अब दोनों के बीच में साइन किसका, माइनस का। और राइट नाउ q इंटू r। तो देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे q को q से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गई q की पावर 2 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब हमारी थर्ड एक्सप्रेशन जो है, थर्ड एक्सप्रेशन हमारी गिवन है देखिए आर आर माइनस पी। सो देखिए, आप फर्स्ट सिंप्लीफाई इट, सबसे पहले हम आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर इंटू आर माइनस आर इंटू पी। सो आर को आर से किया, आर की पावर 2 माइनस आर पी। अब देखिए, हमारी थ्री जो सॉल्यूशंस आए, 1, 2, 3, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, करें। सो देखिए, ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ये वाली हमारी हमारी एक्सप्रेशन लिख दें। देखो, हमारी क्या है, पी की पावर 2 माइनस पी। सो देखिए बच्चों, फर्स्ट हमारी जो एक्सप्रेशन है वो क्या है कि पी की पावर 2 माइनस पी क्यू, लिख दिया। अब मेरी जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो क्या है, क्यू की पावर 2 माइनस क्यू आर। अब देखिए, उसको मुझे कहाँ लिखना होगा, तो देखिए यहाँ पे ना तो मेरे पास q की पावर 2 और q की पावर r कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिख दूँगी, थोड़ा आगे गैप देखिए, q की पावर 2 माइनस क्यू आर। अब हमारी थर्ड एक्सप्रेशन आई थी r की पावर 2 माइनस आर पी, तो वो भी नहीं है, प्लस का साइन लगा दूँ क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। अब आगे हम इसके नीचे लिख देंगे r की पावर 2 प्लस आर पी। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है। सो देखिए, ये लाइक टर्म्स तो कहीं पे भी नहीं बने, अब ये लाइक टर्म्स नहीं बने तो अब हम इनको जनरली राइट डाउन कर सकते हैं। देखो, वही देखिए, सबसे पहले पी की पावर 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ पी की पावर 2, पी क्यू भी नहीं था, एज इट इज़ पी क्यू, प्लस क्यू का भी कुछ नहीं मिला तो क्यू की पावर 2, माइनस क्यू आर का भी नहीं मिला तो क्यू आर एज इट इज़, प्लस आर पावर 2 भी नहीं मिला, प्लस आर पी। तो देखिए, आपने इन तीनों के तीनों जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ उतार दिया, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि कॉमन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, हम ऐसे कॉलम मेथड में ही राइट डाउन करेंगे। ओके, सो राइट नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस। देखिए, यहाँ पे आपके 2 एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी आपको एडिशन करनी है, तो सबसे पहले बच्चों आपने सॉल्व करोगे, देखिए 2 एक्सप्रेशन है यहाँ पे 1 एंड 2, तो कैसे करोगे, पहले 2x को इन सबसे सिंप्लीफाई कर लोगे और एंड आफ्टर दैट आप उसे कर लोगे, और बाद में इन दोनों एक्सप्रेशन का जो भी रिफॉर्म सम एक्सप्रेशन आएगा उनको ऐड करोगे। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, लेकिन आपको सबसे पहले इसे क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। 3l को पहले l से, फिर 4m से, फिर 5n से मल्टीप्लाई करोगे एंड आफ्टर दैट यू कैन डू दिस। सो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही जो है उसी तरीके से बाकी के 3 हैं, इनमें आपको एडिशन करना है, इन बाकी 2 में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, एंड यू ऑल डू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली इन योर नोटबुक।